नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, इस समय नाटो ने एक ऐसी ज़बरदस्त चाल चली है कि जिससे माना जा रहा है कि आगे चल के एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रशिया की टेरिटरी का, वो अलग हो सकता है रशिया से, और जिसके पीछे नाटो की एक सोची समझी चाल को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को चलिए हम लोग मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके जब आप वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ मिलेंगी, जिसमें आपके लिथुआनिया के ठीक बगल में नीचे की तरफ पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में एक टेरिटरी पड़ती है जिसको कि आप कहते हैं कैलिनग्राद। और ये कैलिनग्राद जो है, ये मॉस्को की एक तरीके की टेरिटरी है जो कि उसके साथ USSR के साथ अटैच्ड थी, लेकिन जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये वाली जो कैलिनग्राद की जो टेरिटरी थी ये अलग हो गई। तो उसके बाद से क्या हुआ कि इनके USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद मॉस्को से कैलिनग्राद के बीच में एक रेलवे लाइन चलाई जाती थी, ट्रांज़िट लाइन, जो कि यहाँ पर सामान वगैरह पहुँचाने का काम करती थी, जो कि लिथुआनिया से होके जाती थी। तो अब लेकिन यहाँ पे हुआ पेच यही फंस गया है कि जो लिथुआनिया, जो कि आप लोग जानते हैं कि नाटो कंट्री का हिस्सा है, इसने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इसने यहाँ ये किया कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि तमाम देशों ने यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और नाटो देशों ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, और नाटो देशों का एक हिस्सा है लिथुआनिया, एक कंट्री है जो कि मेंबर है नाटो की। तो इसने भी क्या किया है कि अपने यहाँ से जो इसका जो ट्रांजिट कॉरिडोर होके जा रहा था उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। तो अब यहाँ पे पूरा संपर्क टूट गया है रशिया का कैलिनग्राद से। तो कैलिनग्राद के बीच से संपर्क टूटने की वजह से आपको एक रास्ता अगर एक बचता है तो सुवाल्की है, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, सुवाल्की कॉरिडोर जो कि बेलारूस और कैलिनग्राद के बीच में है, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर भी दिख रहा है, जिसको पेन से पॉइंट किया गया है। तो यही वो कॉरिडोर है जो कि लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में एक सकरी पट्टी के रूप में है, और ये आपका बेलारूस और कैलिनग्राद के बीच में भी बनता है। तो एक सुवाल्की गैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर एक बच रहा है अब एक्सेस के रूप में, अगर देखा जाए रशिया की एक्सेस के रूप में, क्योंकि अब बाल्टिक सी की जहाँ तक दोस्तों बात की जाए तो बाल्टिक सी से जाने के लिए भी उसको एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया का जो कि टेरिटोरियल वाटर है उससे होकर गुजरना पड़ेगा, तो वहाँ से भी कोई उसको रास्ता बचता नहीं है। तो इसलिए अगर एक बहुत ही एक कोई ऑप्शन एक बच जाता है तो है सुवाल्की कॉरिडोर या सुवाल्की गैप। अब आगे चल के इसी को जो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ये आगे चल के बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट बनेगा, क्योंकि अब रशिया हो सकता है आगे चल के बेलारूस के साथ मिलके इसको जो है पूरे कॉरिडोर को पूरा अपने में कैप्चर करने की कोशिश करे, क्योंकि अब रूस को ज़बरदस्त तरीके से पुश किया जा रहा है, जिस तरीके से नाटो का एक्सपेंशन किया जा रहा है, आगे चल के फिनलैंड और डेनमार्क और स्वीडन भी माना जा रहा है कि नाटो का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ दिन पहले इसकी खबर आई थी कि स्वीडन और फिनलैंड ने जो है अप्लाई कर दिया नाटो के लिए। तो आगे चल के आप देखिए, रशिया को इस तरीके से पुश किया जा रहा है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, और अगर ऐसा होगा दोस्तों तो आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध हो के रहेगा, और इस घटना ने माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के बीज के रूप में काम किया है। बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस पूरे इशू पर, आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।